बच्चों, आप सबने लास्ट पीरियड में व्यंजन सीखे थे। व्यंजन में क, ख, ग, घ ऐसे व्यंजन आप सबने सीखे थे। स्वर भी मैंने आपको सिखवाए हैं। तो आज हम स्वर और व्यंजन दोनों से शब्द बनाना सीखेंगे। तो शब्द अलग अलग प्रकार के होते हैं, यानी कि दो वर्ण वाले शब्द भी होते हैं, तीन वर्ण वाले शब्द भी होते हैं और चार वर्ण वाले शब्द भी होते हैं, यानी कि छह व्यंजन एक साथ लिखे जाते हैं, उनसे शब्द बनते हैं। जैसे कि अ, ब, तो अ और ब दोनों को जॉइन करके एक शब्द बनता है अ ब। वैसे ही मैंने यहाँ पे कई शब्द दिए हैं, वैसे ही मैं आज आपको शब्द बनाना सिखाऊंगी, यानी कि दो वर्ण वाले अमात्रिक शब्द, तीन वर्ण वाले अमात्रिक शब्द, चार वर्ण वाले अमात्रिक शब्द, यानी कि छह शब्द अलग अलग प्रकार के होते हैं। व्यंजन से बनते हैं, स्वर से भी बनते हैं, वैसे ही अलग अलग प्रकार के शब्द मैं आज आप सबको सिखाऊंगी। यहाँ पे दो वर्ण वाले शब्द कौन से? दो वर्ण वाले शब्द। दो वर्ण वाले शब्द यानी क्या? दो व्यंजन होते हैं या स्वर और व्यंजन सिर्फ दो ही होते हैं, दो शब्द होते हैं। कोई एक व्यंजन, उसके बाजू में दूसरा व्यंजन, दो व्यंजन जॉइंट होके दो वर्ण वाले शब्द बन जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फल, तो सबसे पहला मैंने फ लिखा है, फिर ल लिखा है, तो यहाँ पे एक शब्द बन गया है फ ल। फिर त ब, यहाँ पे त लिखा है सबसे पहले, फिर ब त प, तो यहाँ पे एक शब्द बन गया है त ब। फिर मैंने लिखा है व न, जहाँ पे हम जाते हैं प्राणी वहाँ पे होते हैं, पक्षियाँ भी होती, तो ऐसे ही व सबसे पहला व्यंजन है, फिर मैंने लिखा है न, बन जाता है शब्द व न। फिर आता है र, तो यहाँ पे शब्द बनता है र, फिर मैंने उसके बाद में व्यंजन लिखा है श, र श। फिर आता है उसके बाद का शब्द, तो यहाँ पे जो लिखा है वो है घ, उसके बाद में जो व्यंजन है वो है र, यानी कि घ र, जहाँ पे हम लोग रहते हैं घ र। तो यहाँ पे मैंने दो वर्ण वाले शब्द लिखे, फिर ब ल, जो हमारी ताकत होती है उसको हम बोलते ब ल। यहाँ पे सबसे पहला व्यंजन ब आया और सेकंड में ल आया, उससे बन गया दो वर्ण वाले शब्द ब ल। फिर आया क ब, सबसे पहला व्यंजन है क, उसके बाजू में जो व्यंजन है ब, तो उससे दो वर्ण वाला शब्द बन गया है क ब। फिर त न, तन माने शरीर, तो सबसे पहला व्यंजन है त, उसके बाद में आया न, त न। द स, तो ये देखो मेरी उंगलियां गिनो,
क्या है, कितनी है? दस। तो यहाँ पे जो शब्द है वहां पे सबसे पहले व्यंजन द आया है, उसके बाद में सेकेंड में जो है वो व्यंजन है श, यानी कि द श। फिर हम जहाँ पे मुसाफरी करने जाते हैं, यानी कि यहाँ से हमें कहीं और जाना पड़ता है, तो किसी साधन में बैठ के जाना पड़ता है, तो यहाँ पे उस साधन का नाम लिखा है ब श। तो सबसे पहला वर्ण है ब, उसके बाद में है श। तो ये हुए दो वर्ण वाले शब्द। कौन से दो वर्ण वाले शब्द? फ ल त ब व न, फिर व श ख र ब ल क ब त न द श और लास्ट में ब श। तो ये सब दो वर्ण वाले शब्द हैं। तो बच्चों दो व्यंजन या व्यंजन और शब्द, व्यंजन और स्वर दोनों मिलके दो शब्द बनाते हैं, दो वर्ण बनाते हैं, ये दो वर्ण वाले शब्द कहलाते हैं। फल तो सबसे पहला व्यंजन है फ, फिर सेकंड वाला ल बन गया फल। ऐसे ही दो वर्ण वाले शब्द मैंने आप सबको सिखाए। तो ये शब्द आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और पढ़ना है और पहचानना भी है कि कौन से शब्द और कौन से स्वर व्यंजन लिखे हैं यहाँ पे, वो आप सबको। अब हम सीखेंगे तीन वर्ण वाले शब्द। कौन से तीन वर्ण वाले शब्द? यहाँ पे दो वर्ण है, तीन वर्ण आएंगे, यानी कि तीन वर्ण वाले शब्द। सबसे पहले म ल, तो सबसे पहला व्यंजन है म, फिर व, फिर ल, म ल। तो बच्चों मैं जब आपको सिखाऊं तो यहाँ पे ह वाला व्यंजन कहाँ पे, वो ढूंढ के दिखाओ। चलो आपको तो व्यंजन की पहचान है, तो आप सब महल लिखा है मैंने तीन वर्ण वाले अक्षर। तो यहाँ पे ह कौन सा है? ये वाला। तो आपको व्यंजन को पहचानना भी है तभी आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा शब्द बना है, कौन से व्यंजन से कौन सा शब्द बना है। फिर ड ग र, तीन वर्ण वाले शब्दों में सबसे पहले ड, फिर ग, उसके बाद में र, ड ग र। फिर आया तीन वर्ण वाले में से तीसरा व्यंजन, यहाँ के सबसे पहले क व न, जो हमें तीन वर्ण वाले शब्द में दिया गया है। सबसे पहला व्यंजन है प, फिर व, फिर न। तो यहाँ पे जो तीन वर्ण दिए गए हैं उनमें से व कहाँ पे है, चलो ढूंढो, दिखा व कहाँ पे है। हाँ, ये वाला व है। तीन वर्णों में दिए गए शब्द से ये तीन शब्द बना है प व न, तो व यहाँ पे है। तो यहाँ पे तीन वर्ण आए, सबसे पहला प, फिर व, फिर न, प व न। उसके बाद में न र म, तो तीन वर्ण वाले शब्द न र म। फिर लहर, जो नदी में आती है वैसी लहर, ये सब तीन वर्ण वाले शब्द हैं, जैसे कि महल, डगर, पवन, नरम, लहर, ये सब शब्द है वो तीन वर्ण वाले शब्द हैं, उसको आपको पहचानना है
नगर, सबसे पहला व्यंजन है न, फिर ग और बाद में है र, नगर। फिर मगर, जो पानी में होती है, पानी में होती है ना वो मगर, वो यहाँ पे शब्द दिया गया है मगर। फिर हवन, सबसे पहला वर्ण है ह, लास्ट में जो वर्ण है वो न, हवन। फिर गुनगुना पानी होता है जो गर्म होता है, तो उनका शब्द यहाँ पे दिया गया है गर्म, सबसे पहला व्यंजन है ग, फिर आया र और उसके बाद में लास्ट में आता है म, गर्म। और यहाँ पे सबसे पहला श व्यंजन है अ और र, तो इससे बन जाता है शब्द श व र। तो ये सब जो शब्द है वो तीन वर्ण वाले शब्द है, कौन से है, तीन वर्ण वाले शब्द, महल, डगर, पवन, नरम, लहर, नगर, मगर, हवन, गरम और लहर। ये शब्द तीन वर्ण वाले अमात्रिक शब्द है, उनके ऊपर कोई मात्रा नहीं लगाई गई, सिर्फ शब्द ही है तीन वर्ण वाले, उनके ऊपर कहीं भी आप देख लो मात्रा नहीं लगाई है, ये मात्रा वाले शब्द नहीं है, सिर्फ तीन वर्ण वाले शब्द है। समझ में आई बात? तो ये दो वर्ण वाले शब्द है, ये तीन वर्ण वाले शब्द है और ये चार वर्ण वाले शब्द है। चार वर्ण वाले शब्द में कुल अक्षर चार आते हैं, सबसे पहले ख, फिर ट, म और ल, तो कितने अक्षर आए, चार वर्ण आते हैं ख ट म ल। फिर उपवन, तो उ पहला व्यंजन, सॉरी स्वर, प व न, तो चार अक्षर हुए, तो चार वर्ण वाले शब्द उसको कहते हैं। फिर न ट ख ट श र व त, यहाँ पे सबसे पहला व्यंजन आता है श, फिर र व और लास्ट में त, तो चार अक्षर से चार वर्ण वाले शब्द बन जाते हैं श र व त। फिर द म क ल, यहाँ भी चार अक्षर वाले वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला यहाँ पे भी चार वर्ण वाले शब्द लिखे हैं मैंने कहीं, तो सबसे पहला क ट क ल, तो चार वर्ण वाले शब्द है, पहला क ट ख ल। फिर हमें घर में जो हम रखते हैं वह ब र त न, तो ब र त न। फिर हम जो सुबह उठ के कसरत करते हैं तो क श र त, चार वर्ण वाले चार अक्षर हुए उसमें, तो क श र त, तो यहाँ पे क श र त, ये चार अक्षर हुए, यानी कि चार वर्ण वाले शब्द है त र क श। तो यहाँ पे भी त सबसे पहले आए, फिर र, फिर क और श, आपको व्यंजन और स्वर पहचानने हैं तभी तो आप सबको ये दो वर्ण वाले, तीन वर्ण वाले, चार वर्ण वाले शब्द शब्द आप सबको आ जाएंगे। फिर लास्ट में श ल ग म, तो श ल ग म, तो यहाँ पे भी श ल ग म, चार वर्ण दिए, चार अक्षर दिए गए, यानी कि चार वर्णों का यहाँ पे रूपांतर दिया गया है तभी एक वर्ण बना है, चार अक्षर दिए गए हैं।
ल, तो चार अक्षर वाले वर्ण बने, यानी कि बच्चों हम लोगों ने दो अक्षर वाले वर्ण, तीन अक्षर वाले वर्ण और चार अक्षर वाले वर्ण सीखे। तो आप सबको ध्यान रखना है कि अगर दो अक्षर आए तो दो वर्ण वाले शब्द, तीन अक्षर आए तो तीन वर्ण वाले शब्द और चार अक्षर आए तो चार वर्ण वाले शब्द सीखने हैं और धीरे धीरे उनको पढ़ना भी है, तभी आपको हिंदी भाषा सबसे अच्छी बोलनी और लिखनी आ जाएगी। तो आप ये सब आपको पढ़ना है और अपने नोटबुक में अच्छे से रह